ये मेरे घर का फाउंडेशन है, इसका एक्सकावेशन हुआ है जहाँ पे फाउंडेशन यानी कॉलम का पोजीशन जहाँ आ रहा है वहाँ पे एक्सकावेशन हुआ है। हमारे पास 31 फाउंडेशन है, एक घर है, हमारा घर का नक्शा बना हुआ है और उसका एक्सकावेशन शुरू हो चुका है। उसकी हम आज PCC करने वाले हैं। मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक्सकावेशन में और PCC करने से पहले क्या क्या चेक करते हैं और क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेना होता है कि आपका जो घर बने वो अच्छा बने और आपका लेआउट एंड लाइन अलाइनमेंट सीधा हो। आप देखेंगे कि सारे फाउंडेशन का एक्सकावेशन हो चुका है। इसमें पानी है, पानी को हटा दीजिए और पानी को हटाने के बाद इसमें हम सॉइल डालेंगे, 100 mm का सॉइल डलेगा। उसके बाद हम उस पर सॉइल के बाद सोलिंग करेंगे यानी ईंट बिछाएंगे। ईंट बिछाने के बाद इस पर 100 mm की मैनुअल PCC होगी। PCC होने के बाद कल इस पर लेआउट होगा। आप इसका देखिए, मैं आप लोगों के इसलिए बार बार एक्सकावेशन दिखा रहा हूँ क्योंकि एक फाउंडेशन की जो साइज़ है उस और उसका डेप्थ है और साइज है 5 फीट बाई 5 फीट और डेप्थ है इसका 1 मीटर। आप देखेंगे सारे कॉलम का और फाउंडेशन का एक्सकावेशन हो चुका है और कल रात में बारिश हुई थी और बारिश होने के वजह से फाउंडेशन में पानी भर गया है। वो पानी निकाल के हम सॉइल फिलिंग करेंगे। उसके बाद सॉइल फिलिंग करने के बाद सोलिंग करके PCC करेंगे। PCC आप देखेंगे कि हमारा यहाँ एक स्टील यानी स्टील में 6 कॉलम है, 4 16 mm का है और 2 12 mm का है और बाइंडर जो है 8 mm का है। बांध के हम हर कॉलम को बांध कर रखे हुए हैं। इसमें हुक जो है ना 135 एंगल हुक लगा हुआ है। हम एक फाउंडेशन की पहले PCC किए थे लेकिन बारिश आने के कारण फाउंडेशन में पूरा मिट्टी भर गया था तो वो हमने क्या किया, मिट्टी को रिमूव करने के बाद में आप देखेंगे, मैं स्टील को बता रहा हूँ कि बारिश में स्टील में जंग और कोरोजन होता है और आप देखिए 135 बेंड होना चाहिए, सबकी बाइंडिंग हुई है, आपको सारे बाइंडिंग होना चाहिए। यानी मिस्त्री क्या करता है कि एक बाइंडर छोड़ देता है और अल्टरनेट करके बांधता है, ये गलत है भाई। तो कभी भी आप जब घर बनाइए तो सबसे पहले स्टील कोरोजन नहीं होना चाहिए। आप स्टील रखें तो किसी लकड़ी पर रखें, बारिश से बचाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस वीडियो में तो कमेंट करके बताइए कि मैं आप लोगों को आज फाउंडेशन के बारे में बताया, कल मैं इस पे PCC होगा तो मैनुअल PCC होने के बाद मैं PCC का बताऊंगा। और स्टील की जो रिंग है उसकी सेंटर टू सेंटर जो है 6 इंची रखी गई है।